संग्राम दास्तान है एक ऐसी लड़ाई की जिसमें न भाले चले, न तीर, न तलवार, न बंदूक, न तोपें। हाँ, मगर दुदंबी जरूर बची और इस दुदंबी का कुरुक्षेत्र बना अलवर जिले का एक छोटा सा गांव। इस महासंग्राम के सरगना और सिपाही बने गणतंत्र के भोले भाले, कमजोर, गरीब मगर हिम्मती और बुलंद इरादों वाले गांववासी और उनके कुछ साथी। स्वीडन से आई पत्रकार एलेना राजस्थान में कार्यरत तरुण भारत संघ के नेता राघवेंद्र की जीवन कथा सुनती है। अपने बचपन के दोस्त गोपाल की कैंसर की मृत्यु के बाद राघवेंद्र साक्षरता अभियान के उसके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपने साथियों के साथ अलवर जिले के एक गांव में पहुंचता है। गांव वालों के कड़े विरोध और पुलिस की पूछताछ के बीच ये नौजवान मंदिर के पुजारी और बूढ़े वैद का विश्वास जीत लेते हैं और गाँव में दवाखाना खोलते हैं, जिसका कड़ा विरोध होता है। उनका सामान भी चोरी हो जाता है। सरपंच की बीमार बेटी का इलाज राघवेंद्र और प्रमोद करते हैं। और अब आगे जी हाँ साहब, हाँ साहब, हम तो कब से सारे इंतजार कर रहे थे। अभी तो शुरू क्यों नहीं किया? आपके इंतजार से आइए बैठे ओम भूलवाने नियम भगव देव साधी धियो न प्रचोदयात। धन्ना जी उद्घाटन करो। मैं चाहूं सो कि हमारे मेहमान जो आए थे वो उद्घाटन करें। क्यों तुमने कहा था ना तुम्हें भारत में रीति रिवाज बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें बड़ी ताकत लगेगी तुम्हें। इरादा मजबूत हो ना तो कुछ भी किया जा सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ, लेकिन इंडिया स्टिल बिहाइंड। आप खुद देखिए, अपने गांव की हालत देखिए, कैसे लोग रह रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गए। यस एलिना, बट पीपल डू वांट चेंज। लोगों के दिलों को जीतने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, सामान तो थाने वापस करना पड़ेगा। आज तक तुमने जो कुछ किया मैंने वही कराया। तुमने क्या उनको रहने की जगह कोड़ी देनी मैंने नहीं दी। तुमने क्या उनको स्कूल की जगह कोड़ी देनी मैंने नहीं दी। बाकी तुम लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा कराया, उनको गाली दी, उनको बुरा भला क्या, उनका सामान चोरी कराया। अरे तुम लोगों ने लोगों के बहकावे में आके उनके साथ बहुत बुरा कराया। पर वे क्यों समझे ये बात जानो हो तुम? अरे ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे सारी तरह गंवार नहीं कि किसी की सुनो न समझो। अरे ये थारे अंदर के जानवर ने मानुष बना सके मानुष। अरे कोई रास्ता चलते थारे से रास्ता पूछ ले, कोई कुएं पे से पानी ले ले तो तुम कहो थारी माँ बेटी पे बुरी नजर रखे है। कोई गांव वाले ने दवाई दे ठीक कर दे, मारी छोरी ने बचा लियो तुम उनने चोर को चोर। अरे थारी मदद करने वाला कोई आयो तो थारे से पचो कोनी है। अब कान खोल और सुन लो, मैं छाती ठोकर कहूं
इनकी मैं मदद करूंगा, इन्हें अपने घर में रखूंगा और आज ही जार पुलिस में रिपोर्ट करूं, सारे सबके घर की तलाशी होगी। और आ बात समझा के छीतर ने भी कह दियो, दीपे पे जो करो बने तो कर ले, इसके बाद तुम मने सरपंच रहन दियो मत रहन दियो, सारी मर्जी। भाई राम राम। राम राम काका। वैद्य छे? नहीं वैद्य तो नहीं है। दवाई लेने आयो छु। दवाई तो वैद्य आने के बाद ही मिलेगी। चल भाई यार। राम राम। वैद्य को नहीं के? ना। खड़े ना गए हो? पास के गांव में गए। कब आवेंगे? थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। फिर कौन दे सको दवाई? नहीं मैं तो नहीं दे सकता। बाद में आऊंगी मैं। अरे सरबती आओ ना, दवाई लेने आई हो ना, मैं तुझे देता हूँ दवाई। आओ ना। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक हो ना? ठीक से। कहाँ गई दवाई? दवाई ना मिल रही तो बाद में ले जाऊंगी जी। नहीं दरअसल बात ये है कि तुम्हारी जो है तबीयत आज ठीक हो गई है, इसलिए मुझे दवाई बदलनी पड़ेगी। बैजी ना छे तो समय की बता की कह देने छे, उल्टी सीधी दे दो वो तो। अरे नहीं अरे को मैं उल्टी सीधी दवाई दे दूँ ना? मन डर लागे जह दे दो तो मर जाऊ ना। अरे सरबती इतने दिन से हम सारी के सेवा में लगे हुए हैं, जहर देना होता तो पहले ना दे देते। अब ये लो ये दवाई लो। ओहो मारे खतर कौन थी थारे पास दवाई के चाड़ी? के बोले छोरा? चार छोरा और तीन छोरी थी मारी। बड़ा छोरा चेचक से मर गया और दूसरा घर से चला गया, बहुत साल हो गए। बड़ा इंतजार करया आवेगा आवेगा को नहीं आया। कहीं गयो छे? यहाँ काम कौन है था? बोले माँ काम करांगा पीछा कमावांगा पाचे बहु ने लावांगा। और बाकी दो? अंटे की लत लगी थी, दिन भर अंटा खा के पड़ा रहा था। औरत तो भी की बच्चा जनते मर गई, एक टा बस है उसका, बस थोड़ी बहुत मजूरी कर ले वहां घर का दाना पानी चल जावा। और छोरियां माई? छोरियां एक का आदमी ने कुछ खवा के मार गिरी, दूसरी मारे पास है और छोटी वाली पानी भरण गई। पता ना क्या होया बेटा वापिस को ना आई। बस माई बस। आ थारे घर में बड़े छोरे के दो छोरे और एक छोरी के एक लड़की और छोटे लड़के का एक छोरा है। मारी छोरी के तीन टाबर भी मारे कर नहीं है बेटा। देख माई अगर थारू छोरा छोरी पढ़नो जानतो लिखनो जानतो तो अपने दिमाग से काम कर जिंदगी सु लड़बो सीखते, तने इतना दुख झेलो कोना पड़ते, तने सुखी सुख हो तो। जे थारे छोरा छोरी ने करिया छे वही थारे यो टावर भी करेंगे। देख माई अगर तू मारे ने अपना छोरो समझे छे ना तो इन टावरा की जिम्मेदारी मारे करने डाल। मैं इन टावरा ने पढ़ना सिखाऊंगो लिखना सिखाऊंगो और एक बढ़िया इंसान बनाऊंगो, फिर तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये गारंटी छे, पक्की बात करूं छू मैं। ए छोरा रहन दे तारी समझदारी, तू बारे लेख को नहीं बांट सके बेटा। अरे अपने टाप राना है मैं तेरे करने भेज दूंगी तो पक खावांगा के। रे 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 बड़े जा रहे छे अपना गांव ना।
मेरे तो किस्मत ही फूटी है। टीवी देखो गदर गदर करते डोले। सर आप इतनी कोशिश करते हैं पर फिर भी ये लोग आपकी बात नहीं समझ पाते। क्या आपको लगता है कि आप कभी इनके मनों तक पहुंच पाएंगे? दिग्विजय मुझे लगता है कि ये लोग हमें नहीं समझ पा रहे, लेकिन फिर कभी कभी मुझे ये भी महसूस होता है हो सकता है कि हम ही लोग इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब सर? मतलब ये कि हमें लगता है कि पढ़ाई इनकी पहली मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन इन लोगों के रहन सहन और जीवन स्तर को देखकर मुझे ये लगता है कि आर्थिक आवश्यकता ही इनकी पहली चिंता है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये लोग इतने समझदार हो जाएं कि दोनों ही चिंताओं से एक साथ मुक्ति पा सकें। अभी तो इन लोगों ने सिर्फ उंगली पकड़ कर चलना शुरू किया और हम चाहते हैं कि ये लोग हमारे साथ साथ दौड़ना शुरू कर दें। अपने मन में किसी तरह का बैर मत रखना भैया, हम लोग यहाँ पर प्यार बढ़ाने आए हैं। मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे सामान कैसे बनाया? अरे मेरी डायरी मिल गई जिसमें मैंने गोपाल भाई साहब की बातों पे नोट्स बनाए थे। आपका सामान तो पूरा है भैया। हाँ किरार, लेकिन अब तुम वापस तो नहीं जाओगे ना? चलो जाओ सुना, अब यहाँ नहीं रहना, हमारे बापू ने बुलाया थे। बेटी तुम थोड़ा सा बाहर चली जाओ, हम लोग कपड़े बदल रहे हैं। क्या आ गया गाड़ी? बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, बहुत बढ़िया करे। कमरे से हाथ से दो, कमरे कोई तकलीफ को नहीं हो दूंगा। आओ आओ आओ। अच्छा कोई फिक्र मत कर दा तुम है। आओ बैठो बैठो बैठो, शाबाश शाबाश। कोई फिक्र मत ना करना तुम है, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ये सारी सारी जिम्मेदारी मारी है, तब मैं कोई आंच नहीं आन दूंगा, कोई तकलीफ नहीं हो दूंगा है। अरे गांव वाला आदमी समझ गया, कहा समझेगा। हाँ सबसे पहले तो मैं एक काम करूं, चावरा ने मेरे मतलब है छोटे बाल खाने पढ़ावा का काम शुरू कर दो। और सुनो आ शुरू काम भारे घर से शुरू हो सी, शरबती पड़ेगी। सरपंच जी हम लोग शरबती और इस गांव के छोटे बच्चों को तो जरूर पढ़ाएंगे। हाँ। लेकिन हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस गांव के जितने बड़े और बूढ़े लोग हैं उन्हें भी पढ़ाना शुरू कर दें। हो सकता है कि थोड़ी सी समस्या आएगी उन लोगों को, उन्हें लगे कि काम के साथ साथ वो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जब वो लोग अपने काम से लौट आएंगे तो उनकी सहूलियत के हिसाब से उन्हें पढ़ाया करेंगे। का काम भी हो जाएगा, शाबाश, पढ़ाई भी हो जाएगी, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे पहले तो उस जगह की जरूरत है जहाँ स्कूल खोला जा सके। हाँ भाई देख लो, खूब अच्छी तरह देख लो, ठीक है? कि अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो तुम अपना स्कूल यहाँ शुरू कर लो। जगह तो ठीक है जी, गांव के बीच में भी है और गांव से अलग सी भी है। भाई वाह, डिस्पेंसर भी साथ में ही है। लेकिन सरपंच जी आपको गांव में कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे गांव के लोगों की तुम चिंता ही मत करो, बस सारी जिम्मेदारी मारी है, गाँव का कोई आदमी तुमसे कुछ नहीं करेगा, सारी जिम्मेदारी। अच्छा, हाथ धुलाओ जल्दी से। सत्येंद्र, डिस्पेंसरी खुलने के बाद
स्कूल खुलना इस गांव के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। जगह मिलने तक तो ठीक है, लोगों को उनके घरों से निकाल कर स्कूल तक पहुंचाने में कामयाब होंगे तभी तो इस मिशन की सही शुरुआत होगी। हाँ केदार, इस काम को शुरू करने के लिए हम लोगों को गांव वालों से मिलना जुलना शुरू कर देना चाहिए और समय समय पे उन्हें इन्फॉर्मेशन भी देते रहना चाहिए कि गांव में स्कूल का काम शुरू हो गया। इससे टीम सही निशाने पर लगेगा। तो प्रमोद, हम लोगों ने नियम बनाया था कि खाना खाने के बाद थाली अपने आप उठाएंगे, उठाओ। आप बेला भाई साहब, और वो गिलास भी। सर वैसे एक और आइडिया भी है, गांव में अनाउंसमेंट भी तो करी जा सकती है। इस काम के लिए हम तुम्हें चुनते हैं। सुनो 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 गांव वालों, कल शाम 4 बजे सरपंच साहब के पुराने घर में पढ़ने के लिए पहुंचो, वहां स्कूल लगेगा। जो कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा पढ़ना चाहे वो कल शाम 4 बजे पहुंच जाए। 4 बजे 4 बजे 4 बजे 4 बजे 4 बजे 4 बजे ताई, घड़ी देखे घड़ी 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 कैसे ताई 4 बजे वो सूरज इधर आ जावे ना शाम को 4 बजे वो 4 बजे पहुंच जाना स्कूल में, ठीक है? 4 बजे 4 बजे सरपंच जी के घर के बाहर, 4 बजे 4 बजे पुराने घर के बाहर। घर का आगे तुम पटवासी कर गया से हालत बाप की जमीन से। हम तो लोगों से यहाँ बात करने के लिए आए हैं, सारे को क्या तकलीफ? अरे मैं कहूँ तू जाए यहाँ से, चल। पढ़नों लिखनों से खाली पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, बल्कि दुनियादारी की समझ भी आती है। तमने कोई धोखा ना दे सके है? पढ़े लिखे ऐसे तो हो। हाँ, तुम बैंक में जाके अपने पैसा निकाल सको हो, दवा खाना गांव में खुला है उससे थारी दवाई भी मिल सके है। और हाँ, हम लोग गांव में एक स्कूल भी खोलने वाले हैं। काकी, दादी जी ने हमें भेजा है, बोला है कि तुम उनका कहना नहीं टालोगी। हाँ दीदी, आप भी आना और अपने बच्चों को भी लेके आना। अरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनका भविष्य बन जाएगा। अम्मा, हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं। शहर में देखो, औरतें हर तरह के काम करती हैं, गाड़ी चलाती हैं, हवाई जहाज तक चलाती हैं, यहाँ तक कि लड़ाई के मैदान में दुश्मनों से लड़ती तक भी है। और तो और, चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए पुलिस की बड़ी अफसर तक बन जाती है। मेरी माँ है ना अम्मा, उन्होंने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है, क्योंकि पिताजी को तो टाइम ही नहीं मिलता। माँ रोज स्कूल का काम कराती, मेरे साथ बैठ के मुझे पढ़ाती, और मैं स्कूल में सबसे अव्वल आता, सबसे ज्यादा नंबर आते थे मेरे। और अभी यहाँ आया हूँ ना, अम्मा ने आशीर्वाद देके भेजा है, बोली जो दिया है, जो पढ़ाई मैंने तुम्हारी की है उसे बांटो, खूब बांटो खूब। ये ऐसा धन है जो बांटने से खाली नहीं होता और अमीर होते जाते हैं हम, दुनिया की समझ आती है। इसलिए मैं अपनी माँ के बातों से यहाँ तक आ गया। आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें जाने दो, हमें धंधा करना है कि आपके बातों में रहना है। बाबा हमने स्कूल खुलाया था, हमें जाने दो। बाबा 4 बजे आना। बाबा मैं भी अपने टाबरे पढ़न खातर खिलाऊंगी ना, कोई जरूरत ना थे छोरन कुछ के भेटन की। कहीं बुराई छाई नहीं, तो शहर के छोरे माने बता रहे थे कि टावर जब पढ़ लिख जावे तो कुछ बन जावे, हमारी भी छोरियां कुछ बन जावेंगी। ये बन जावेंगी, ये बनावेगी तू? मैं पूछूं क्या बनावेगी तू है? और कौन खोल के सुन ले, आज के बाद स्कूल भेजन की बात की तो तुझे कौन से मार दूंगा भाई। बोल भेजा की तू स्कूल भेजा की? जल्दी करो प्रमोद भैया, खाना नहीं खाना क्या? अरे अरे मदर हूँ, अरे 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 मदर हूँ, अरे आ! आ!
बंधुरा ही हम ब्लैक बोर्ड ले आए हैं। ले और गांव के सभी बड़े बुजुर्गों और बच्चों को बोल दिया पढ़ने आएंगे सब। हाँ ब्लैक बोर्ड तो ठीक है लेकिन सत्येंद्र इसकी सफाई करो अच्छे से। हाँ अभी तो सिर्फ ये लड़ाई की शुरुआत हुई है एलेना।
अभी तो ये लड़ाई सिर्फ संग्राम बनी है, आगे ये लड़ाई महासंग्राम बनती नजर आ रही है। कैसे? फिर बात करेंगे। अच्छा, कल तुम मेरे साथ महासंसद में चल रही हो ना? श्योर। तो फिर जाकर तुम आराम करो। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। बीचों बीच महासंग्राम के और काट की तलवार, चंद सिपाही, तपती दोपहरी, उड़ती रेत, नंगे पांव और बालू में गुलाब उगाने का सपना। कलम ने जड़ पकड़ी है तो महके की खुशबू गुलाबों की। सचमुच अगर सपने अपने हों तो मुमकिन है ताबीर ख्वाबों की। तन्हा ही तो चला था तपती दोपहर में रेत के उस पहाड़ पर, नंगे पांव, जाने कहां से आए इतने साथी, सैकड़ों गांवों, हजारों हाथ, लाखों पांव। काट की तलवारों से भी युद्ध हो सकते हैं सर, जागती आंखों में बसने लगे सपने अगर। कहां से कहां तक आ गया हूं मैं, काट की तलवार लिए महासंग्राम के बीचों बीच।